लवर्स, आई एम सनानी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोमल गुदान इंस्पायर्ड मेकअप लुक, और ये बहुत ही अच्छा सा लुक, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जिस तरह से टर्न आउट होकर आया, मुझ पर भी बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप भी इस लुक को क्रिएट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में यूज किया है मैंने काफी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट मैंने इस वीडियो में यूज किया है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्या होता है कि हम दूसरों को देखकर, यानी किसी को भी एक्सपेंसिव, किसी को भी, कोई एक्ट्रेस, यूट्यूबर, किसी भी लड़की हो या फिर किसी भी एक्ट्रेस को, सीरियल एक्टर को एडमायर करके उनके लुक से इंस्पायर होके हम इंस्पायर्ड मेकअप लुक ट्यूटोरियल करते हैं। तो मुझे ये कोमल दी का जो लुक है ये बहुत ही अच्छा लगा था, तो मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है ये लुक, और आई होप ये आपको भी पसंद है और आप भी इसे क्रिएट करोगे। तो अगर आप भी इस लुक को क्रिएट करते हो तो अपनी सेल्फी को जरूर लोगे, तो उस सेल्फी को पोस्ट करिएगा और मुझे टैग करिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों को उस लुक में देखने की। और अगर आप सोच रहे हैं कि किस जगह पे टैग करना है, तो अपने जब FB पे या इंस्टा पे कहीं पर भी आप पोस्ट करोगे तो आप जस्ट मुझे टैग कर दीजिएगा। मेरा जो सोशल मीडिया का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं यूज करूंगी डाबर गुलाबरी, और उन्होंने यूज किया है कामा का, आयुर्वेदा का रोज वाटर। तो उसे स्प्रे करके उन्होंने जस्ट अपने फेस पे छोड़ दिया था, वही मैंने भी किया। तो प्राइमर के लिए वो यूज करेंगे निविया मैन आफ्टर शेव बाम, जो कि सेम टू सेम मेरे पास है, तो मैं भी उसे अप्लाई करूंगी विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर टिप्स। वर्क्स बेस्ट फॉर डेली प्राइमर। तो पॉन्ड्स बीबी क्रीम यूज किया उन्होंने, कोई फाउंडेशन यूज नहीं किया, तो सेम मैं भी करूंगी पॉन्ड्स बीबी क्रीम, और वो डॉट मोशन में, यानी कि डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई करिए, सेम प्रोसेस में मैं भी करूंगी। पूरे फेस पे आपको रैंडम डॉट्स बना लेने और उसे अपने फिंगर की हेल्प से फिर आपको स्प्रेड करना है। तो जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं कि मैं अपने फिंगर की हेल्प से स्प्रेड करती हूँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने ब्रश यूज़ किया है अमेजन का, जो कि सेम टू सेम मेरे पास है, बट वी हैव डिफरेंट कलर, सो उसकी हेल्प से मैं स्प्रेड कर रही हूँ। बट जनरली मैं अपनी वीडियोज़ में हाथों की हेल्प से, फिंगर टिप्स की वॉर्म की हेल्प से मैं उसे स्प्रेड करती हूँ, देन अप्लाई करती हूँ। तो नेक्स्ट वो यूज़ करिए कंसीलर, वो भी फिट मी इन द शेड 25, तो सेम मैं भी करूँगी। और हाँ, पॉन्ड्स बीबी क्रीम में कोई शेड नहीं आता है, इन केस आप सोच रहे हो कि शेड नहीं बताया, तो उसे एज अ आई प्राइमर भी यूज़ किया है मैंने, और उन्होंने भी, एक्चुअली उन्होंने, उनको कॉपी कर रही हूँ मैं अभी इस टाइम पे, तो अभी भी वो अप्लाई कर रही है और मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है, और हम दोनों ने ओवल ब्रश यूज़ किया है। सो लकी कि उनके पास जो है वो मेरे पास भी है, तो ये वीडियो काफ़ी हद तक क्लोज हो जाएगी। तो उन्होंने यूज़ किया है रिमेल का पाउडर टू सेट हर फेस, बट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे रेडियंस कॉम्पैक्ट इन द शेड 03, आई गेस गोल्डन मीडियम, और अपना फुल फेस जो है मैं इसे सेट करूँगी। तो वो यूज़ कर रही हैं ये ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल विच इज़ फ्रॉम मिस क्लेयर, बट आई एम यूजिंग द लैक्मे वन बिकॉज इट वर्क्स ग्रेट फॉर माई आईब्रो कलर। मेरी आईब्रो जो है वो थोड़ी डार्क है, और हम दोनों ने यूज़ किया है स्टेक वर्की का काजल अपने बेस के लिए, बिकॉज दिस टाइम शी इज़ डूइंग स्मोकी आई, ब्लैक स्मोकी आई, तो उसे अप्लाई करूँगी पहले एंड देन स्मोक आउट कर दूँगी, यानी स्मज कर दूँगी। और आपको जो काजल लगाना है वो इतना ज़्यादा नीट होने के लिए, नीट होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट क्लोज टू योर लैश लाइन रहना है, ताकि कोई गैप्स ना रहे आपके आई लैशेज में और आपके आईलिड्स में, और उसे अच्छे से स्मोक आउट कर दूँगी। और आप देख रहे हैं मैं फ्लीक कर रही हूँ बाहर की तरफ, पुश करके मैं कर रही हूँ, जिससे एक शेप भी साथ साथ मिलता रहेगा, लाइक आप पैंडा नहीं बन जाएंगे एट द एंड ऑफ ब्लेंडिंग। सो उसे ब्लेंड करूँगी अपने क्रीज के ऊपर, नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने यूज़ किया है शुगर का पैलेट, और मैं यूज़ कर रही हूँ शिवाना का। मेन हमें कलर से मतलब है, ब्राउन कलर चाहिए था, मैट ब्राउन, तो एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अप्लाई भी करूँगी अपने क्रीज में, ताकि सब कुछ एक ट्रांजिशन की तरह दिखे, डार्क टू ब्लैक, डार्क टू सॉफ्ट, तो उससे एक अच्छा खासा ब्लेंडिंग का इल्यूजन आता है, बहुत ही अच्छा सा। तो उसे स्मज करना है और साथ ही साथ अप्लाई भी बोथ दी आईलेट्स,
देन सेम काजल पेंसिल को, काजल लाइनर को अपने वाटर लाइन पे, लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई करना है और इसे भी हम स्मोक करेंगे यूजिंग स्मॉलर स्मजर ब्रश जो कि काफ़ी प्रसाइज होगा और सेम उसी जगह पर हमें इफेक्ट देगा, ना कि कहीं बाहर की तरफ, बिकॉज लोअर लैश लाइन में स्मज करने के लिए आपको का पेंसिल ब्रश टाइप का ब्रश चाहिए होता है। तो इन केस यू वॉन्डर मैंने कौन सा ब्रश यूज़ किया है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आई मेकअप, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस और फिर उनके रिव्यू नहीं देखने पड़ेंगे, डायरेक्टली आपको पता होगा, जो कि मेरा सजेशन है और मैं उसे यूज़ करती हूँ। तो अभी क्या करना है, लोअर लैश लाइन में क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई किया तो उसे हमें सेट करना है, तो सेट करने के लिए सेम ब्राउन कलर विच इज़ फ्रॉम शिवाना पैलेट और उसे अप्लाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश। तो वेगा का आई लैश कर्लर लेकर आई लैश को कर्ल करना है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मास्कारा अप्लाई करने के पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो उन्होंने यूज़ किया है मेबलिन का हाइपर कर्ल वाला, मैंने यूज़ किया है वॉल्यूम एक्सप्रेस। बस फ़र्क ये है कि वॉल्यूम एक्सप्रेस काफ़ी वॉल्यूम देता है और हाइपर कर्ल एवरी डे के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो उसे अप्लाई कर लूँगी। काफ़ी चेंजेस ला देता है मस्कारा आपके आइज़ में, आप डेली बेसिस में इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना है, तो उन्होंने अपना शुगर का पैलेट में से ही 3-in-1 उनके पास ऑप्शन था तो उसी में उनको मिल गया। मेरे पास भी शिवाना है जो कि किसी से कम नहीं है, तो उसी पैलेट को यूज़ करके मैंने अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया। तो अब जो है मैं अमेजन ब्रश के सेट से ही एक ब्रश लूँगी जो कि फ्लैट है, जिससे फाउंडेशन अप्लाई किया था मैंने, उसमें से एक ब्रॉन्जर शेड लेकर अपने फेस को ब्रॉन्ज करूँगी जो कि फेस में काफ़ी डिफरेंस ला देता है, एक नेचुरल फिनिश आ जाती है। और स्मॉलर ब्रश की हेल्प से नोज़ को कंटूर करूँगी। तो उन्होंने यूज़ किया इसेंस का ब्लश, मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का विच इज़ 25 rupees एंड वर्क्स अमेजिंग, आई लव दिस ब्लश। इसे अप्लाई करूँगी और अब हाइलाइटिंग करने की बारी है, तो यूजिंग अ फैन ब्रश विच इज़ फ्रॉम वेगा अप्लाई कर रही हूँ और आप देख सकते हैं इट्स अ सटल हाइलाइटर, नॉट बॉम्ब हाइलाइटर, काफ़ी अच्छा सा लाइक शाइनी टाइप का इफेक्ट देता है। तो उन्होंने यूज़ किया है एक्सपोज्ड का लिप कलर विच इज़ इन 20 शेड नंबर, बट आई एम यूजिंग काइली एंड किस ब्यूटी और दोनों के ही शेड बिल्कुल मिसिंग थे, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द शेड इंफॉर्मेशन। दिस इज़ द फाइनल लुक। आई नो यू गाइज आर वॉन्डरिंग कि बिंदी कहाँ है, बट आई कांट मेक इट आउट। सो आई होप यू गाइज लाइक इट।